हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज है 24 अक्टूबर और पहली शिफ्ट में यूपीपीसीएस प्री का पेपर का GS1 हो गया है। देखिए, GS1 का पेपर मेरे सामने है और मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने देखने जा रहा हूँ। देखिए, मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि 15 से 20 क्वेश्चंस आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर सकूं। उसके बाद के क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन गंगा रिवर बेसिन। तो जब हम गंगा रिवर बेसिन की बात करते हैं तो देखिए, जो यहाँ पर देखेंगे, पुनपुन, जलांगी, जोंक, ये तीनों ही नदियाँ जो हैं गंगा रिवर बेसिन का पार्ट हैं। अजोय रिवर जो है ये बंगाल, वेस्ट बंगाल उधर बहती है और ये जो है दामोदर नदी का जो है बेसिन में। तो पहले का आंसर यहाँ पे होगा बी, अजोय रिवर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। थीम ऑफ द वर्ल्ड यूथ स्किल डे, देखिए वर्ल्ड यूथ स्किल डे जो है 15 जुलाई को मनाया जाता है और इस बार उसकी थीम थी, जो इसमें ऑप्शन है आपके सामने, डी, री इमेजिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। इसका ऑप्शन यहां पे डी। आप यहां पे तीसरा क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि यहां पे कुछ नेम ऑफ लोकल विंड्स हैं और प्लेस का नाम दिया गया है। पूछा गया कि कौन सी पेयर नहीं है। तो देखिए, यहां पे जो हम थर्ड क्वेश्चन पे बात करेंगे तो देखिए, आप देखेंगे सबसे कॉमन था इसमें ब्रिक फील्डर और ब्लैक रोलर। ये दोनों, ब्रिक फील्डर जो है ऑस्ट्रेलिया से है, सही है, ब्लैक रोलर नॉर्थ अमेरिका से है, ये भी सही है। अब यहाँ पे दो चीज़ बच जाती हैं, शामल एंड लिवेच। तो देखिए, अगर हम बात करें लिवेच की तो देखिए ये अपने आप में स्पेन की है और ये स्पेनिश नाम है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन बचता है शामल ऑस्ट्रेलिया। जो शामल जो है एक्चुअली ये अरब कंट्रीज़ में, ईरान, इराक, वहाँ पर बहती है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है। तो इसका ऑप्शन रहेगा डी। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट मेड नेसेसरी प्रोविजंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिजाइम। देखिए, आप सभी को पता है कि जो 101वां संशोधन किया गया था संविधान में, वो GST लाने के लिए किया गया था 1 जुलाई 2017 से। 102वां आपको पता होगा, ये जो अपना NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए बनाया गया था। 103 में आपको जो 50% रिजर्वेशन होता है उसको बढ़ गया था, वो उस लिमिट ब्रीच की थी वो था। और जो 104 था वो SC ST एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन है नेक्स्ट 10 साल के लिए लोकसभा में बढ़ाया जाना। तो इसका आंसर यहाँ पर रहेगा 101वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ वेस्ट पार्ट में इंडिया के में जो विंटर में जो रेनफॉल होती है वो किस वजह से होती है। देखिए, वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण। देखिए, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया फिर आपसे, जो इलेक्शन कमीशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। PC होता कमेटी जो थी वो बनाई गई थी 2004 में सिविल सर्विस रिफॉर्म के लिए, कि कितने चांस मिलने चाहिए वगैरह वगैरह, उनकी रिकमेंडेशंस थी। तो देखिए, 2004 में PC होता कमेटी बनाई गई थी UPSC रिफॉर्म्स के लिए। तो इसका ऑप्शन रहेगा बी। एज पर द सेंसस 2011, 2000 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट कौन सा है इंडिया में। तो देखिए, यहाँ पे हर बार ये करते हैं कि कभी पहला हटा देते हैं, कभी पहला और दूसरा दोनों हटा देते हैं। तो इस बार इन्होंने क्या किया, यूपी यहाँ से हटा दिया गया है, सबको पता है। तो सेकंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सा है, तो देखिए सेकंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट है महाराष्ट्र, थर्ड पे आता है बिहार, और अगर फर्स्ट पे बात करें तो उत्तर प्रदेश। तो देखिए, यहाँ पे इसका सिंपल सा आंसर दिख रहा है आपका, किसका आंसर रहेगा डी, यूपी। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई ऐसा नहीं था, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश। चलो आठवें क्वेश्चन पे आते हैं। फरवरी 2021 में देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर जनरल बनाई गई थी फर्स्ट वुमेन। तो देखिए, ये ऑलरेडी क्वेश्चन वहीं से क्लियर हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। गोजी ओकांजो इवेला, ये पहली फीमेल थी जो वर्ल्ड WTO की हेड बनाई गई थी और ये नाइजीरिया देश से बिलोंग करती है। तो इसका ऑप्शन रहेगा ए। फ्लाई एस पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाई, देखिए फ्लाई एस वहाँ होता है जहाँ पे कोयला बहुत ज़्यादा जलाया जाता है। देखिए, थर्मल पावर प्लांट यानी कोयले से जो बिजली बनाई जाती है तो मैक्सिमम कहाँ पे यूज होगा, थर्मल पावर प्लांट से। तो इसका ऑप्शन रहेगा सी। दसवें क्वेश्चन पे आते हैं, ब्लैक सी के बैंक पर कौन कौन सी नदियाँ
कौन कौन से देश बसे हुए नहीं हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ब्लैक सी पे क्या है, 6 देश बसे हुए हैं, उसमें से 3 आपके सामने दिख रहे हैं, सीरिया को छोड़ दीजिए, सीरिया बसा हुआ नहीं है। जो 6 देश हैं वो हैं जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया, और अगर उसके मैं बात करूँ तो रशिया, यूक्रेन एंड रोमानिया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। देखिए इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं आ सकता है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर इससे सिंपल क्वेश्चन आज तक नहीं आया होगा। देखिए पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, सुकुमार सेन, इट इज़ करेक्ट। दूसरे अगर हम बात करें तो फर्स्ट फीमेल इलेक्शन कमिश्नर कौन थी, तो वो थी रमा देवी, तो ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन 1 और 2 करेक्ट, ऑप्शन सी यहाँ पर दोनों के दोनों सही हैं। 12वें क्वेश्चन पे आते हैं हम, ग्लोबल पीस इंडेक्स। देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लोबल पीस इंडेक्स में रैंकिंग क्या थी, तो नंबर 1 पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो रैंकिंग थी आइसलैंड, फिर न्यूजीलैंड, फिर डेनमार्क, और भारत का स्थान इसमें 135वां था, अफगानिस्तान लास्ट पोजीशन पे था। तो देखिए इसमें पूछा गया क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होके कि मोस्ट पीसफुल रीजन इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे पीसफुल रीजन कौन सा है, तो दोस्तों उसमें एक छोटी सी लाइन थी, यूरोप इज़ द मोस्ट पीसफुल रीजन। आप देख सकते हैं आइसलैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, इन सबसे भी आप आइडिया ला सकते हैं कि जो इसमें ऑप्शन है अफ्रीका, साउथ अमेरिका, यहाँ पे इतना पीसफुल चीज़ें नहीं हैं। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में सबसे ऊपर है बी, यूरोप। उसके बाद 13 क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा एक कह सकता हूँ एक दो क्वेश्चन इसमें हार्ड था, इनको क्या करना है जो नॉट करेक्टली मैच। देखिए बोर्नियो ये प्लेस है, अरब डेजर्ट है, स्वीडन, फिनलैंड है, अलास्का है, इनकी ट्राइब्स को आपको सर्च करना था। तो देखिए आप देखेंगे तो जो लैप्स हैं ये लाप्स, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। अरब डेजर्ट में रुवाला पाई जाती है, उसके बाद बोर्नियो में पुनान वगैरह पाई जाती है, यहाँ पर काफ़ी कुछ ऐसी ट्राइब्स जो रहती हैं, लेकिन जो कोरियाक है ये अलास्का में नहीं पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन रहेगा यहाँ पर ए, कोरियाक जो है रशिया के एरिया में, साइबेरिया में पाई जाती है। देखिए 14th क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, लाइन टू लाइन क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसा कि पीसीएस पूछता है तो उसी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फॉर्म, कार्बन क्रेडिट की जो अवधारणा है ये क्योटो, जो जापान का शहर है, क्योटो प्रोटोकॉल, वहाँ से लिया गया है। और देखिए यहाँ पर 15वां क्वेश्चन है, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, केसी नियोगी। तो केसी नियोगी जो है यहाँ पर क्या थे, भारत के फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष थे। तो देखिए ये 15 क्वेश्चंस हैं जो मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करना चाहता था, नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, लेकिन मुझे पेपर देख के अभी तक ये लग रहा है कि पेपर जो है इजी टू मॉडरेट कैटेगरी का है। चलिए आगे के क्वेश्चंस बाद में चर्चा करेंगे, फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।